गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कैसे हो? फाइनली मैं बहुत अच्छी हूँ। एंड गाइस, आज हम जा रहे हैं बर्थडे पे। एक्चुअली जो मेरी नानी थी उनका बर्थडे था कुछ दिन पहले, देखा होगा ब्लॉग में। सो उनके आज नाती का बर्थडे है तो वहीं जा रहे हैं। और सबसे पहले कीर्तन वीर्तन है, उसके बाद है पार्टी वार्टी। सो मैं और रेडी हो गई हूँ और मम्मी भी हो गई इधर देखो। बस अभी भाभी को हमने कॉल किया था, वो भी निकल रहा है, फिर हम निकल निकलते हैं। सो मिलते हैं फिर वहीं पर। सो फाइनली गाइज, गिफ्ट लेके आ गई हूँ, अब हम लोग चलते हैं उधर। सो फाइनली गाइज, मैं पहुँच गई और इधर देखो, पहुँचते ही बहन कमरा डेकोरेट कर रहे हैं। इधर देखो, यहाँ पर आके सिर्फ बलून का ही काम करना था। निकालो निकालो निकालो, यहाँ पर देखो कितना मस्त डेकोरेट कर रखे हैं। उसपे मत डाल, यहाँ पर पूरा कवर कर दिया देखो इतना, बाकी इधर हो रहा है मस्त मस्त मस्त। ब्लू ब्लू ब्लू। डेकोरेशन एक्सपर्ट एक बार ये हमने किया है, ये सब ऊपर का दिखा दो। ये देखो अभी पूरा कमरा देखो, यहाँ से ये देखो क्या मस्त डेकोरेट किया। इनका कांटेक्ट नंबर में मेंशन करूंगी। आ गए हैं, आ गए हैं गाइस, यहाँ फोटो शूट हो रहा था। ये देखो चलते हैं ऊपर, थोड़ा सा इधर को स्वेटर भी नहीं पहन के आई मैं ढंग से। ये देखो थोड़ा सा इधर को कर दे, इधर गाइस हो रहा है पूजा। चतुर रसोइया इधर देखो गाइस, ये देखो कितने सारे ऑनियन कट किए हैं। ये भाई मुझे नहीं अच्छा लगा बिल्कुल। और इधर देखो बाप रे, ये सिर्फ ये दिन अकेले कर दिया गाइस, मतलब किसी को चाहिए ना, मतलब जरूरत हो ना तो दी को कांटेक्ट करना। तुम कांटेक्ट भी मत करना, मैसेज कर देना इसमें, मैं वहीं से भिजवा दूंगी। देखो इतना काम करने वाला कोई नहीं मिलेगा गाइस अकेले, मतलब इतना सारा खाना बना भी दिया और बाकी अभी काम तैयारी हो रही है। ये देखो क्या पब्लिक है यार, अभी यहाँ पर दिखाती हूँ कितना भी नहीं है। और बच्चे देखो कितने सारे लोग हैं केक कट करने के लिए। ये देखो केक बहुत ही ज्यादा प्यारा बनाया था, बहुत ही अच्छा था। और ये डिगो ने केक कट कर दिया और सारे बच्चे, इतने सारे बच्चे थे कि सब केक के साइड पे ही खड़े थे। ये देखो तो सब क्लैपिंग करने लग गए जैसे केक कटा। ये दादाजी ने केक खिलाया डिगो को, वाह डिगो डिगो सब खुश। इधर केक खाने के बाद दादी ने खिलाया, उसके दादाजी तो केक भी लगा दिया मुंह पे। और फाइनली उसके बाद दी ले गई केक अंदर कट करने के लिए। और यहाँ पर फिर हो गई गिफ्ट की बौछार। ये देखो गिफ्ट देंगे सारे बच्चे आए थे जितने भी अच्छे बनाने के, सब डिगो को घेर लिए गिफ्ट देने के लिए। यहाँ पर वो कंफ्यूज हो गया कि किसको गिफ्ट पकड़ू किसको ना पकड़ू, और वो देखने लग गया था। अब देखो यहाँ पे गिफ्ट के बाद एक के बाद एक पकड़ा जा रहा है, यहाँ से बड़ा वाला बलून फोड़ दिया। वाह सारे के सारे खुश हो गए, सबके सब चमकीले चमकीले से उठाने लग गए सारे बच्चे। लेकिन यहाँ पे गिफ्ट दादी उसकी गिफ्ट लेके क्लैप कर दी थी
और ये खड़ा हो रहा है और यहाँ पर बहुत अपना एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत मजा आया। वो फटाफट गिफ्ट पकड़ के अपनी दादी को दे रहा जितने ये आगे सरोज दिलवाएंगे अंदर अपने को। और इधर बच्चे कितने खुश हो जा रहे, ये आंटी गेस्ट मम्मी को स्माइल। ये लड़की बहुत ही अच्छी थी छोटी वाली, इधर फोटो होना था शॉर्ट गिफ्ट के साथ। ये देखो आंटी वैसे बोली पकड़ पकड़ के कुछ, इधर मम्मी ने भी स्कूल डिग्री दे दी तो बोले कि चले गया अंदर। सो गाइस इधर हो रही थी केक पार्टी, ये देखो शानदार। इधर देखो गाइस चल रही है पार्टी, सब लोग बैठे हैं। ये है मेरी प्लेट, सो मिलते हैं खाने के बाद। इस वाले ब्लॉग को यहीं पर खा रहे हैं क्योंकि सब लोगों ने खा लिया है खाना और हम लोगों ने भी खा लिया है, तो हम जा रहे हैं घर और मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।